और हमारे झारखंड के कोल्हान में हमारे जितने वीर सपूत हैं, थे और रहेंगे, उनकी आदर्श को मैं प्रणाम, जोहार, नमस्कार करती हूँ। साथ ही मंच पर हमारे झारखंड सरकार की आदरणीय बेबी देवी जी, झारखंड के सरकार के मंत्री हमारे बड़े भैया रामदास सोरेन जी, साथ में यहाँ के विधायिका सविता महतो जी, आप सभी और हमारे सांसद जोबा मांझी जी और सभी गणमान्य व्यक्तिगण जो बैठे हुए हैं, पदाधिकारी गण, डीसी साहब, एसपी साहब, और सामने बैठी हमारी भारी मात्रा में हमारी दीदी बहनों, महिलाओं को, भाई दादा को, मीडिया कर्मी को, सुरक्षा कर्मी को, सभी को जोहार और सभी को नमस्कार। सुनाएंगे नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, आप जानते हैं, मैया सम्मान यात्रा चल रही है, आज पांचवा दिन है। मैडम और हम लोग मिल करके इस यात्रा को हम लोगों ने आरंभ किया था भावनात्मक से, और आज पांचवा चरण में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। आपकी जोश और आपकी ऊर्जा देख के हमको बहुत ताकत मिलती है। आप जानते ही हैं ये यात्रा का किस वजह से शुरुआत हुई है, हमारे झारखंड में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये पहली बार है कि झारखंड में किसी मुख्यमंत्री ने हमारी झारखंड की आधी आबादी को एक सौगात दी है, एक उपहार दिया है, एक महत्वाकांक्षी योजना जिसके माध्यम से 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की जितनी भी बिटिया, बहनें, माताएं, सबको महीने का 1000 और साल का 12000 रुपए मिलेगा, और इस राशि से वे अपने बारे में सोच सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड में पहली बार हो रहा है कि किसी मुख्यमंत्री ने झारखंड की आधी आबादी के बारे में सोचा है। तो क्या आप मुख्यमंत्री योजना से खुश हैं? इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त लेना नहीं चाहूंगी, बस ये कहना चाहूंगी, आपने अपने आज के दिन से जो थोड़ा सा क्षण हम लोगों के लिए निकाला है और यहाँ आकर के हमारी बातों को सुना है, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ और जोरदार आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग दिग्भ्रमित किया जाएगा, ये बोला जाएगा कि योजना का प्रोपोगेंडा है इसलिए ऐसे चलाया जा रहा है, पहले क्यों नहीं लेकर आए। लेकिन जिस इस साल के आरंभ में जब हेमंत जी इस योजना को आपको देना चाह रहे थे, तो हमारे विपक्षियों ने एक इन प्रकानिन करके उनको जेल में डलवाने का काम किया, और ये उसी के वजह से विलम्ब हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट का कारण बनता है उसको याद रखिएगा। और नोंडे सूर संगीन कौन है सेटर कान सनम बाबा गोगो आयोते बोया मिसी पाटीरिन कमी कोड़ा कुड़ी को सनम को गे इंसिन कौन गोड जोहार और गुण मनाओ जोहार। और आप लोगों को पता है कि हमारी लड़ाई थोड़ी ज्यादा
लंबी चलती है क्योंकि ये क्रांतिकारी भूमि है, ये कोल्हान है, तो कोल्हान कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। क्या कभी झुकिएगा? हे बन दादा, कभी किसी के सामने नहीं झुके। हमारे झारखंड के कोल्हान के पूर्वज कभी नहीं झुके, तो क्या हमारी यहाँ की जनता झुकेगी? हमारी जनता हेमंत दादा के साथ, हेमंत बेटे के साथ अड़िग खड़ी रहेगी। तो ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बस इतनी बातों को कह करके मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।